नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में जानकारी दूंगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है और किस प्रकार से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए। ऑप्शंस में दो चीज़ें होती हैं, कॉल और पुट। तो इस सीरीज में और आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉल का मतलब क्या होता है, किस समय कॉल खरीदनी चाहिए, कब आप कॉल बेच भी सकते हैं। इसी प्रकार से पुट का मतलब क्या होता है, कब पुट खरीदनी चाहिए, कब पुट बेचनी चाहिए, और यदि आप कॉल और पुट में ट्रेडिंग करते हैं तो कब यह सही समय होगा कि आप कॉल खरीदें और कब आपको अपनी पोजीशन से प्रॉफिट में एग्जिट करना है। इसी प्रकार से कब आप पुट खरीदें और कब आप पुट से एग्जिट करें, इस बारे में हम इस सीरीज में और इसी वीडियोस के आने वाली सीरीज में मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉल और पुट के बारे में पहले ये जान लेना आवश्यक है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग या कॉल और पुट केवल उन्हीं शेयर्स में या इंडेक्स में होती है जिनमें कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। यानी कई स्टॉक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे भी हैं जिनमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होती। तो चूंकि उनमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए उनके अंदर कॉल और पुट की ट्रेडिंग भी नहीं होगी। आमतौर पे निफ्टी के जितने भी 50 शेयर्स हैं उनके अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन उनमें से भी करीब करीब 20 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें कि कॉल और पुट में अच्छी खासी हैवी ट्रेडिंग होती है। बाकी जो 30 शेयर्स हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। तो हम ये देखते हैं कि आप कॉल और पुट कब खरीदेंगे। मान लीजिए आज निफ्टी का इंडेक्स 8,500 पर है और आप में से किसी को लगता है कि ये आने वाले 15 दिन में महीने की एक्सपायरी के पहले गिर करके 8,300 तक आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप पुट खरीदेंगे निफ्टी की। अगर आपको लगता है कि ये बढ़कर के 8,700 तक चले जाएगा तो आप निफ्टी की कॉल को खरीदेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक चीज जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है और वह यह है कि जो निफ्टी की पुट और कॉल होती है वो यूरोपियन ऑप्शंस होती हैं, उन्हें यूरोपियन ऑप्शंस भी कहते हैं, और स्टॉक्स जो शेयर्स होते हैं उनकी जो पुट और कॉल होती है उन्हें अमेरिकन ऑप्शंस कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर जो आपके पास जो आपने पुट या कॉल खरीदी है उसका एक्सरसाइज करने का जो आपके पास विकल्प होता है वह एक्सपायरी के लास्ट दिन होता है। यूरोपियन ऑप्शंस में कॉल या पुट का खरीदने वाला व्यक्ति एक्सपायरी के दिन अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है और अमेरिकन ऑप्शंस में जो पुट और कॉल खरीदने वाला व्यक्ति है वह अपने विकल्प का उपयोग कभी भी कर सकता है। तो ये विकल्प का उपयोग जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी विकल्प का उपयोग कब कर सकता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये मैं आपको आने वाली सीरीज में समझाऊंगा। और इस वीडियो के बाद और भी जो इस सीरीज में वीडियोस आ रहे हैं आप उनको देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुट और कॉल क्या होती है और कब इनको आप एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है, कब आपको कॉल खरीदनी चाहिए, कब पुट खरीदनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो कृपया इस वीडियो के बाद इसके आने वाले जो और भी भाग हैं उन्हें अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल के उधर नीचे जा कर के सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।